ਭਾਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਧ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਸਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਾਗਣਾ ਹਾਂਜੀ ਬਾਰ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਈਏ ਇਹ ਬਾਰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸੜਕ ਆ ਠੀਕ ਅੱਗੇ ਹੱਥੀ ਗੇਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਕੋ ਭਜਣਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਦੂਰ ਹੈ ਭਾਜੀ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया से होंगे। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। और आज मैं इस टाइम पे हूँ बटाला में, पंजाब के गुरदासपुर में ये बटाला पड़ता है। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं गुरुद्वारा कंध साहब। गुरुद्वारा कंध साहब जो है एक गुरु नानक देव जी महाराज से जुड़ा हुआ एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। और यहाँ पर गुरु नानक देव जी शादी के लिए आए थे, उनकी शादी यहाँ पर हुई थी। और बाकी आपको ले चलते हैं गुरुद्वारा कंध साहब और दिखाते हैं आपको कि वहाँ की जो उस टाइम की वो एक दीवार जिसके नाम पर ये गुरुद्वारा है, कंध दीवार को बोलते हैं, पंजाबी शब्द है कंध, जिसको जिसका हिंदी अर्थ होता है दीवार। तो आपको ले चलते हैं गुरुद्वारा कंध साहब और वहाँ दिखाते हैं ऐतिहासिक दीवार वो जो गुरु नानक देव जी के टाइम की है। आइए आपको ले चलते हैं। अभी हम हैं बटाला में, जो कि पंजाब का सेकंड ओल्डेस्ट सिटी है बठिंडा के बाद। बठिंडा सबसे ओल्डेस्ट सिटी माना जाता है और ये बटाला सेकंड ओल्डेस्ट सिटी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही वाकई अभी उतना डेवलप नहीं है। बाइक से गुजर रहे हैं, सुबह हुई है यहाँ पे, सुबह सुबह 8 बजे का टाइम है तो लोग अपने कामों पे जा रहे हैं, कोई स्कूल जा रहा है, कोई अपनी दुकान खोलने जा रहा है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है पंजाब के इस सबसे पुराने सेकंड सबसे पुराने गांव में आकर। अब गांव नहीं, अब तो ये शहर ही है बटाला। और गुरुद्वारा कंध साहब के सामने जहाँ पर गुरु नानक देव जी का ब्याह हुआ था वो ये स्थान है। तो ये देखिए गुरुद्वारे में कितनी सेवा की भावना होती है। ये लोग सेवा कर रहे हैं, जो भी लोग यहाँ जूते उतार रहे हैं उनके जूतों की सफाई हो रही है। तो ये है जो सच्ची सेवा होती है और सेवा की भावना बहुत ही ज़बरदस्त है यहाँ पर। यहाँ पर हमने जो है ये जूता घर है जहाँ पर हमने जूते उतारे हैं। और यहाँ जूते देखिए लोग किस तरह सुबह सुबह यहाँ पर आकर सेवा कर रहे हैं। Thank you.
अभी भी वहाँ पर है, अभी उसके आसपास शीशे से जड़ा दिया ताकि लोग उसके दर्शन करें। और वो ऐतिहासिक दीवार हमने आपको दिखाई जहाँ जिसके साथ गुरु नानक देव जी बैठे थे और जहाँ उनका शादी हुई थी। तो इस जगह में, इस ऐतिहासिक जगह में गुरु नानक देव जी का ब्याह हुआ था। और यहाँ आकर बहुत ही सुकून मिला है, बहुत ही अच्छा लगा है। और जो कुछ भी कहूँ, जो वर्ड्स में मैं बोल नहीं सकता, यहाँ आकर कितनी खुशी मिली है, मज़ा आ गया यहाँ पर। इस समय हम लोग यहाँ पर लंगर चख रहे हैं। ये देखिए सभी लोग दिया वहाँ बैठी हुई है और यहाँ पर हम लंगर चख रहे हैं और इतिहास के बारे में भी जान रहे हैं। पाजी नाथो की भी थी कि कितना होया सी और उदे बारे च भी तुम दसते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। इस टाइम असं खड़े हैं गुरुद्वारा कंध साहिब च और साढ़े नाल है गिरे सतनाम सिंह जी, जो दसणगे सानू इस जगह के इतिहासिक महत्व की है। इस जगह बरात का ठहरा किया गया जिथे आप खड़े ना गुरुद्वारा श्री कंध साहिब जी, जी, जी। इतने गुरु नानक देव जी की बरात का ठहरा किया गया। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਕੇ ਸਸੁਰਾਲ ਪਕਸ਼ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਸਥਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਬਰਾਤ ਦਾ ਟਿਕਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੱਚੀ ਹਵੇਲੀ ਕੱਚੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਕੰਧ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਬਰਾਜੇ ਸਨ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਰਾਜੇ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋਈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਧ ਕੱਚੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਧ ਕੱਚੀ ਹੈ, ਢਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਮਾਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਆ ਇਹ ਜੁਗਾ ਜੁਗਾ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੂਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਕੰਧ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਧ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਤ ਸੀ, ਉਨਕੀ ਬਰਾਤ ਯਹਾਂ ਆ ਕੇ ਰੁਕੀ ਥੀ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦੇਵੀ ਕਾ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਥੀ। ਉਨਕਾ ਜਨਮ ਵੀ ਵਹੀਂ ਹੁਆ, ਉਨਕਾ ਜੋ ਹੈ ਲਾਲਨ ਪੋਸ਼ਣ ਵੀ ਯਹੀਂ ਪੇ ਹੁਆ ਔਰ ਯਹੀਂ ਪਰ ਉਨਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਵਹਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਜੋ ਅਭੀ ਆਪਕੋ ਦੀਵਾਰ ਦਿਖਾਈ ਹਮਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੇਂ ਅਭੀ ਜੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੋ ਉਤਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਬ ਵਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਤੋ ਕਿਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਨਕੋ ਬੋਲਾ ਕਿ ਆਪ ਯਹਾਂ ਸੇ ਉੱਠ ਜਾਈਏ, ਯੇ ਕੱਚੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਯੇ ਗਿਰ ਜਾਏਗੀ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੇ ਬਚਨ ਕੀਏ ਕਿ
ये जो दीवार है ये युगों युगों तक यहाँ रहेगी और ऐसी रहेगी और हमारी शादी की यादगार बन के रहेगी। और देखिए आज कितने साल बीत चुके हैं और फिर भी वो दीवार ज्यों की त्यों है। तो ये हमारे इतिहास को याद दिलाती है, नानक देव जी की महिमा को याद दिलाती है। तो आज हम यहाँ इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे में हैं और सतनाम जी ने हमें इस गुरुद्वारे के बारे में बताया। भाजी बहुत बहुत शुक्रिया थोड़ा, और साडा भी जी है जीना सफल हो गया जरा अं पहुँचे। तो जो भी लोग बटाला आए तो गुरुद्वारा कंध साहब जरूर आइए, यहाँ पर वो दीवार आपको देखने को मिलेगी जो कि बहुत ही ऐतिहासिक है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये सामने पंजाबी में पूरा इतिहास लिखा हुआ है गुरुद्वारा श्री कंध साहब बटाला का, आप इसको पढ़ सकते हैं।